नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करें छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। प्रदेश में दो पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, विधान मिश्रा, प्रमोद शर्मा। इन दोनों को पहले आप कांग्रेस के सौजन्य से जानते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी के आने की हो चुके हैं। बीजेपी ज्वाइनिंग अभियान की लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इनकी सदस्यता में दोनों प्रमुख पूर्व विधायकों ने पार्टी का दामन थामा है। कुछ कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, लाइव तस्वीर यहाँ की टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली देखिए किस प्रकार से तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिहाज से एक बार फिर से टूट की स्थिति देखने को मिली है। विधान मिश्रा, प्रमोद शर्मा, अपने नेताओं को बचाकर रखना बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए बनता जा रहा है। लोकसभा के माननीय सांसद अनिल सोनी जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के किरण देव जी, अमर बहुत ही आदरणीय चाचा जी सुदर्शन शर्मा जी, संजय श्रीवास्तव जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक धरसुआ के हमारे भाई, हमारे हीरो छत्तीसगढ़ के अनु शर्मा जी, और जिला भारतीय जनता पार्टी रायपुर के सारंग जी। स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल संबोधन वहां पर चल रहा है दोनों ही वरिष्ठ नेताओं का। क्यों बीजेपी में शामिल हुए इस बात का परिचय दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास करेगा, इस बात का भरोसा उन्हें है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर रुक कर रहे हैं। विधान मिश्रा और प्रमोद शर्मा दोनों ही पार्टी में शामिल हो गए हैं और अकेले नहीं गए, अपने साथ कई कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचे हैं। सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। आकाश, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती ये चुनाव तो जीतना है लेकिन दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी तो बचाना है। जी बिल्कुल, बड़ी चुनौती है क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि वो एक अभियान चला रही है कि जो विपक्षी दलों में जितने बड़े नेता हैं उनको शामिल करा रही है। इसके लिए भाजपा ने बड़ी समिति बनाई है और उस समिति के माध्यम से ही प्रवेश कराया जा रहा है। प्रदेश से जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर समिति बनाई गई है। रही बात आज की, तो आज दो बड़े नेताओं ने भाजपा में प्रवेश किया है। पूर्व विधायक थे प्रमोद शर्मा, उन्होंने प्रवेश किया। इसके साथ पूर्व मंत्री विधान मिश्रा ने प्रवेश किया है। इसके साथ ही जो है कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने भी प्रवेश किया, भाजपा में प्रवेश किया। कुछ दिन पहले आपको बता दें कि आपके आप पार्टी के संगठन के कुछ नेताओं ने प्रवेश किया था, इसके साथ ही अन्य लोगों ने। तो इस तरीके से भाजपा में प्रवेश करने का ये अभियान लगातार चल रहा है। भाजपा का दावा है कि इससे निश्चित तौर पे भाजपा भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और जो लोकसभा चुनाव आने वाले में समय में छत्तीसगढ़ के लिहाज से कितने समीकरण बदल सकते हैं आकाश, ये समझाइएगा, चूंकि विधान मिश्रा, प्रमोद शर्मा बहुत प्रमुख नाम है पार्टी से जुड़े हुए। जी बिल्कुल, देखिए दो बड़े नाम हैं, पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, तो निश्चित तौर पे इनका एक अच्छा जनाधार होता है। इसके साथ ही कांग्रेस के कई जो संगठन स्तर पे थे उन वो नेता भी शामिल होते हैं कि तो अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रवेश करते हैं, तो ऐसे में उस क्षेत्र में जहां से इनका जनाधार है तो निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ता है। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, भाजपा ने 11 सीटें जो है जीतने का लक्ष्य रखा है, तो हर एक विधानसभा और हर एक क्षेत्र महत्वपूर्ण जाता है। बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई भी जो क्षेत्र है वो कमजोर पड़े। कारण यही है कि सभी को साधकर चलना चाहती है। और जो शामिल हो रहे बीजेपी में उनका भी कहना कि जिस तरीके से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, तीसरी बार रिपीट हो सकती है, ये लगातार दावा किया जा रहा है। और बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भाजपा की सरकार बनी, नीति रीति रही है, तो उससे प्रभावित होकर वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और इसका निश्चित तौर पर इसका आने वाले समय में परिणाम देखने को मिलेगा। जी ठीक है, चलिए देखने वाली बात कि कैसे पार्टी अपने पक्ष में माहौल बना सकती है इसे लेकर। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये लाइव तस्वीर हम आपको इस तरफ दिखा रहे थे, एक्सक्लूसिव फोटो जो समय का, जब विधान मिश्रा और प्रमोद शर्मा मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता हासिल करते हुए नजर आए हैं। अकेले नहीं गए हैं, कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचे हैं। बड़ा झटका, तगड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, जहां पर लोकसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती है पहले से, और अपनी पार्टी को बिखरने से बचाना ये एक और बड़ी चुनौती हो जाती है। जब ऐसे पूर्व विधायक रहे,
प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हो तो समस्या अब विकट। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है। साई सरकार ने नियत नेल्ला नार योजना का ऐलान कर दिया है। इससे जहां नए कैंप शुरू हो रहे हैं उनके आसपास गांव के विकास के लिए भी अब तेजी लाई जाएगी कामों में। पूरी रिपोर्ट देखिए, समझेंगे स्थिति क्या है। नक्सल क्षेत्र के गांव के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया। नियत नेल्लनार योजना की घोषणा सीएम ने विधानसभा में की। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में जहां नए कैंप खुल रहे हैं उन क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे के गांवों में इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत पीएम आवास योजना, राशन, चना, नमक, हैंडपंप, बैंक सखी, एटीएम, मोबाइल टावर, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार एक नई योजना की घोषणा की है। बस्तर क्षेत्र में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों को जो उनकी आवश्यकता की चीज है और सरकारी जो योजनाएं हैं वो भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार एक नई योजना की घोषणा आज सदन में की है, विधानसभा में की है। और उस योजना का नाम है वहाँ के लोकल बोली में नियत नेल्ला नार योजना। सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। ऐसे गांवों को करीब 25 मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। सीएम साय ने कहा कि नियत नेल्ला नार योजना शुरू होगी। नियत नेल्ला नार हिंदी में इसका अर्थ आपका अच्छा गांव होता है। नक्सल इलाके में मौजूद पुलिस कैंप के आसपास गांवों को विकसित किया जाएगा। हिंदी में आपका अच्छा गांव योजना, और इस योजना के तहत जो नए नए सुरक्षा कैंप स्थापित हो रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों में 14 नए कैंप स्थापित हुए हैं। और सुरक्षा कैंप स्थापित होने का मतलब है कि कैंप के चारों ओर 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गांव है उस कैंप के माध्यम से उस गांव के लोगों तक सरकार की जो भी योजना है उसके तहत जो भी सुख सुविधा है वो पहुंचाना है। अब आपको बताते हैं सरकार की ये नई योजना नियत नेल्ला नार योजना। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बहेगी विकास की बयार। सुरक्षा बलों के नए कैंप के आसपास के गांवों का होगा विकास। नए कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे के गांवों को फायदा होगा। लोगों को मुहैया कराई जाएंगी 25 सेवाएं। पीएम आवास, राशन, पानी की मिलेगी सुविधा। सड़कों से जुड़ेंगे गांव, उज्ज्वला योजना का मिलेगा फायदा। घोर नक्सल क्षेत्रों में करीब 14 कैंप में होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। योजना के लिए फिलहाल 25 करोड़ का प्रावधान, जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जाएगा बजट। तो नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है और अब यहां के गांवों में विकास में तेजी भी आएगी। बस्तर के लोगों तक भी मूलभूत सुविधाएं पहुंचेंगी और इन नक्सल इलाकों के लोग भी देश के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब एक नक्सल घटना का जिक्र, बीजापुर का जिक्र करें जहां नक्सलियों ने पुलिस कैंप पर हमला बोल दिया। बड़ी संख्या में कैंप पर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दागे गए। जवानों की जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग निकले। मौके से 5-5 किलो के 6 IED बम बरामद किए गए हैं। आपको ये बताएं कि नक्सल प्रभावित इलाके गुंडम में फोर्स ने आज ही नया कैंप बनाया था। इसका पता लगते ही नक्सलियों ने कैंप पर हमला कर दिया, क्योंकि बौखलाहट विकास कार्यों को लेकर तो है ही नक्सलियों में। अगली खबर दंतेवाड़ा से, जहां जवानों ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर आईईडी ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप है। दोनों गोंदपल्ली मिलिशिया टीम के सदस्य हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बड़ी सफलता जवानों के लिए कि दोनों ही नक्सली गिरफ्तार कर लिए। दो नक्सली की गिरफ्तारी आप देख रहे थे। सुकमा का जिक्र करेंगे जहां 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 2 लाख के नामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। पुनर्वास नीति से प्रभावित हुए हैं और इसीलिए सरेंडर करने की बात सामने आई है। किस्टाराम क्षेत्र में सक्रिय रहे नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि भी अब सरकार देगी।
पुनर्वास नीति का लाभ इन्हें दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस धर्मांतरण को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, उसे बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी भुनाने की तैयारी कर रही है। अब राज्य में धर्मांतरण कानून बनने वाला है। विधानसभा में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी घोषणा कर दी और इसे लेकर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला जो ये कह रहे हैं कि अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से धर्मांतरण कानून है, बीजेपी खुद पूरे देश में धर्मांतरण करवाती है। देखिए, पहले से हमारे यहाँ धर्म स्वतंत्र विधेयक है, कानून है, परंतु वो नख विहीन है, वो दंत विहीन है, वो धर्मांतरण इलीगल धर्मांतरण करने वाले लोगों में किसी प्रकार का भय पैदा नहीं करता है। कानून तो ऐसा होना चाहिए जो अपराध को रोक सके। संशोधन विधेयक हम लाएंगे वो लोगों में कानून तोड़ने पर का भय पैदा करेगा, डर पैदा करेगा, और छत्तीसगढ़ में जो लोभ लालच के दम पर, पैसे के दम पर धर्मांतरण होता है वो रुकेगा, और जो समाज में संघर्ष पैदा हो रहा है वो भी रुकेगा। छत्तीसगढ़ में तो धर्मांतरण विरोधी कानून अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से लागू है। नियत होनी चाहिए, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खुद धर्मांतरण करवाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीना पहले कहा था केंद्र सरकार को कि यह धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है तो पूरे देश में कानून बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस का आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्मांतरण की बातें लोकसभा चुनाव को देख के कर रही है। हकीकत में इनका ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो धर्मांतरण को रोकने वाला हो। भारतीय जनता पार्टी जनता में भ्रम फैलाने के लिए धर्मांतरण। और इधर शराब घोटाला मामले को लेकर आबकारी विभाग के सस्पेंड अधिकारी एपी त्रिपाठी, इन्हें हाईकोर्ट से आज जमानत मिल गई है। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने सुनवाई की, जमानत याचिका को मंजूर कर दिया है। आपको बताएं कि बुधवार को इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज ऑर्डर जारी किया गया है।